मूवी शुरू पहाड़ों से होती है, जहां एक कपल बेकी और उसका हस्बैंड डैन को देखते हैं, जो पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। इनकी अभी अभी शादी हुई थी। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। इनको पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था। ये कह लें कि इनमें एक जुनून था, और यही जुनून इनको खतरनाक इलाकों में ले जाता है। यहाँ इनके साथ बेकी की दोस्त भी थी, जिसको हमेशा से खतरों से खेलने का बहुत शौक था। ये तीनों अपने लिए हर बार एक नया खतरा ढूंढते थे। अब पहाड़ पर चढ़ते हुए डैन का हाथ एक परिंदे के घोंसले पर लग जाता है। वो परिंदा जब इसके डर से उड़ता है, जिससे डैन का बैलेंस खराब हो जाता है और वो रस्सी से लटक गया था, और चाहकर भी वो अब ऊपर नहीं आ सकता था। यहाँ बेकी और उसकी दोस्त उसको बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर वो उसको नहीं बचा पाती, और आखिरकार वो नीचे गिर कर मर जाता है। जिसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है। बेकी अभी भी अपने हस्बैंड की मौत के गम में थी, और उसने अभी तक अपने पास डैन की अस्थियों यानी उसकी जली हुई हड्डियों को रखा हुआ था, और साथ ही साथ वो अब शराबी भी बन गई थी, जिस वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरह खराब हो रही थी। बेकी के डैड अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान थे, इसीलिए बहुत टाइम के बाद वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त को बुलाते हैं, जिसका नाम हंटर था, जो इसके और इसके हस्बैंड के साथ पहाड़ों पर चढ़ाई किया करती थी। अपने हस्बैंड की मौत के बाद वो अपनी दोस्त से एक साल बाद मिली थी। उसकी दोस्त हंटर कहती है, चलो ना हम दोबारा से कहीं चढ़ाई करते हैं, हमारा तो ये शौक था ना, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। वो उसको एक पुराना टावर दिखाती है, जो 2000 फीट लंबा था, और ये टावर सहरा में था। वो कहती है, तुम मेरे साथ वहाँ जाना, जहाँ पर जाकर तुम अपने हस्बैंड की राख को ऊपर से बिखेर देना, तुम्हें अच्छा लगेगा और उसकी आत्मा को भी सुकून मिलेगा। बेकी सब बातों के बारे में बहुत सोचती है, और आखिरकार वो ये फैसला करती है कि वो हंटर के साथ जाएगी। ये उसके साथ एंजॉय करना चाहती थी। दोनों अब अपने सफर पर निकल जाती हैं। रास्ते में ये खूब मस्ती करती हैं और अपने फोन पर वीडियोस भी बनाती हैं, पर इसी दौरान उनकी लापरवाही की वजह से दोनों के साथ हादसा होने वाला था। एक ट्रक जो बहुत स्पीड से आ रहा था, इनकी गाड़ी को मारने वाला था, लेकिन एन वक्त पर ये अपनी गाड़ी को रोक लेती हैं और सुकून का सांस लेती हैं कि ये बच गईं, और आगे बढ़ती हैं। ये दोनों अब अपनी मंजिल तक पहुंच गई थी। जाते हुए हंटर मरी हुई एक बकरी को भी देखती है, जिसको परिंदे खा रहे थे। वो सभी परिंदों को उड़ाती है और उस बकरी की तस्वीर लेकर अपनी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है, जिसके बाद वो टावर तक पहुँच जाती है। हंटर यहाँ पर वीडियो बनाती है, ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। पहले तो इन्हें टावर की ऊंचाई देख कर बहुत डर लगता है। बेकी की हालत देख कर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत डरी हुई है। हंटर कहती है, ओ कम ऑन यार, डरने की क्या जरूरत है, हम कर लेंगे। वो अपने आप को रस्सी से बांधती है और बेकी को भी। फिर ये ऊपर चढ़ना शुरू करती हैं, लेकिन बेकी ऊपर चढ़ते हुए सब महसूस कर रही थी, पुराने जंग लगे टावर और उसकी सीढ़ी की आवाज जब ये ऊपर चढ़ रही थी। बेकी को डर तो लग रहा था, पर वो ऊपर चढ़ती रहती है। काफी ज्यादा ऊपर चढ़ने पर हंटर उसको बताती है कि हम आधे टावर पर चढ़ चुके हैं, यानी कि उन्होंने 1000 फीट को पूरा कर लिया था। वो इतनी ऊंचाई पर चढ़ गई थी जितनी आइफल टावर की ऊंचाई हो। यहाँ पर हवा भी बहुत तेज चल रही थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर थी, और इन्होंने एक सीढ़ी को भी पकड़ लिया था। हंटर कहती है, बस थोड़ा सा दूर, हम लोग जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। पर बेकी जब नीचे देखती है कि वो इतनी ऊपर आ गई हैं, उसको डर लगने लगा था। इस बात पर हंटर सीढ़ी को हिलाकर उसके साथ मजाक भी करती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता इतने ऊंचे टावर पर ये दोनों चढ़ गई थी, लेकिन इसी दौरान इस टावर की सीढ़ी का एक पेंच निकल जाता है, जो इन्हें नहीं पता चलता। ये तो अपनी खुशी मनाने में लगी हुई थी। हंटर अपना ड्रोन कैमरा निकालती है और सब कुछ रिकॉर्ड करती है। बेकी भी अपने दोस्त के साथ खुश थी, पर हंटर यहाँ पर नहीं रुकती। वो टावर से लटक जाती है और बेकी से कहती है कि मेरी तस्वीर बनाओ, और साथ ही साथ वो बेकी को भी ऐसा करने का कहती है। उसे डर तो लग रहा था, पर अपने डर पर काबू पाते हुए वो हंटर की बात मान लेती है और लटक जाती है, और लटक कर वो भी तस्वीर बनाती है, जिसके बाद हंटर उसको गले लगा लेती है। यहाँ पर बेकी अपने हस्बैंड की राख को हवा में उड़ा देती है। अब इसको कुछ सुकून मिला था और दोनों उसके बारे में याद करने लगती है। अब सब कुछ खत्म हो गया था, ये वापस जाने का फैसला करती हैं। ये अपना सारा सामान पैक करती हैं। बेकी जैसे ही अपना बैग लेकर नीचे उतरती है, पुराने टावर की जंग लगी सीढ़ी टूट गई थी। बेकी लटक जाती
पर हंटर ने किसी न किसी तरह उसे ऊपर खींच लिया था। पर पैकी का बैग नीचे टावर के एंटीना पर लटक जाता है, जिसमें इनका ड्रोन कैमरा और खाने पीने का सामान था। वो अब इनकी पहुंच से दूर हो चुका था। पैकी घबराने लगती है। दोनों अपना फोन भी चेक करती हैं, पर यहाँ ऊंचाई पर फोन में सिग्नल ही नहीं थे। तभी उनको टावर पर से एक फ्लेयर गन और दूरबीन मिलती है। हंटर कहती है, अभी इसका हमें क्या फायदा, हम इस वक्त अगर गन को चलाएंगे भी तो क्या फायदा होगा। बैकी थोड़ा घबरा जाती है जब वो देखती है कि उसकी टांग पर जख्म हो गया था। हंटर उसको पट्टी बांधती है। अब ये दोनों करती भी तो क्या करती, उधर ही बैठकर व्लॉग अपनी वीडियो को खत्म करती है। कुछ घंटों के बाद हंटर दूरबीन से देखती है, उधर थोड़ी ही दूर एक गाड़ी खड़ी है। ये लोग उन्हें मदद के लिए नहीं बुला सकती थी। तभी हंटर अपना फोन चेक करती है, जो पोस्ट इसने मरी हुई बकरी की थोड़ी देर पहले की थी उस पर लोगों के लाइक और कमेंट्स थे, मतलब उस वक्त जमीन पर सिग्नल्स थे। हंटर अब मदद के लिए एक मैसेज लिखती है और अपनी आईडी पर पोस्ट कर देती है। अपने फोन को रस्सी से बांधकर थोड़ा सा नीचे करती है ताकि सिग्नल आ सके और इसकी पोस्ट को देखकर इसके फॉलोअर्स इनकी मदद को आए। पर अभी भी फोन पर सिग्नल्स नहीं थे और इनका मैसेज भी पोस्ट नहीं हुआ था। अब खुद लटक कर फोन नीचे करने का फैसला करती है, लेकिन उनका मैसेज अभी भी पोस्ट नहीं होता। अब हंटर ये सोचती है कि वो अपने फोन को नीचे फेंक देगी, पर पहले ये उसे अपने जुराब में डालती है और फिर अपने जूते में, कि इसका फोन जमीन पर गिरने से टूटे ना। और फिर ये अपने फोन को नीचे फेंक देती है, जिससे कि जमीन पर सिग्नल्स आएंगे और इसकी पोस्ट तो सेंड हो ही जाएगी। हंटर जब दूरबीन से देखती है तो जमीन पर इसको एक आदमी और उसका डॉग नजर आता है, जो अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। इसीलिए यहाँ पर बैकी जल्दी से अपना जूता फेंक देती है ताकि वो आदमी कुछ नोटिस करे, मगर वो कुछ नहीं करता और चला जाता है। लेकिन बैकी यहाँ पर गन चलाने लगती है। हंटर उसको रोक देती है और कहती है, सूरज डूबने का इंतजार तो करो, हमें कोई ना कोई तो बचाने आएगा। रात हो गई थी। बैकी अपना वक्त गुजारने के लिए अपनी पुरानी वीडियोस देखती है, जिसमें वो अजीब बात नोटिस करती है कि हंटर उसको और उसके हस्बैंड को अजीब नजरों से देख रही थी। लेकिन तभी हंटर उसको फ्लेयर गन चलाने का बोलती है और साथ ही वो अपने फोन की लाइट को चलाकर इधर उधर करने लगती है। तभी उन्हें दो आदमी देख लेते हैं, पर वो उनकी मदद नहीं करते कि ना ही वो उन्हें साफ नजर आ रही थी। जाहिर सी बात है वो इतनी ऊंचाई पर जो थी, उल्टा वो आदमी उनकी गाड़ी चुरा कर भाग जाते हैं। अब यहाँ पर रात को ये सोने की कोशिश करती हैं। हंटर नीचे गिरने वाली थी पर बैकी उसको बचा लेती है। तभी वो उसकी टांग पर बना हुआ एक टैटू देखती है, जिस पर 143 लिखा हुआ था। और यहाँ पर बैकी को याद आता है, वो जब भी अपने हस्बैंड डैन को आई लव यू बोलती थी, वो जवाब में उसको 143 बोलता था। यहाँ पर बैकी को ये बात पता चल गई थी कि उसके हस्बैंड और उसके दोस्त का आपस में रिश्ता था। और अब हंटर के पास भी कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। वो बैकी को अपने और उसके हस्बैंड के बारे में सब कुछ बता देती है। बैकी ये सब सुनकर अजीब सी सोच में थी। हंटर उससे माफी मांगती है, लेकिन इसी दौरान बैकी अपने बैग को देख रही थी, जिसमें उसका ड्रोन और पानी भी था। हंटर कहती है, मैं जाऊंगी उधर तक तुम्हारे बैग को लेने के लिए। अब वो टावर के चारों साइड पर एक हुक डालती है और रस्सी से खुद को बांधकर लटक कर बैग लेने जाती है, पर अभी भी वो बैग तक नहीं पहुंच पाई थी। अब हंटर क्योंकि शुरू से ही न डर थी, इसीलिए वो रस्सी को छोड़कर एंटीना के ऊपर कूद जाती है और बैग ले लेती है। हालांकि अब रस्सी उससे दूर थी, लेकिन वो बैग से सेल्फी स्टिक को निकाल कर उसकी मदद से बैग को रस्सी बांध देती है। अब वो एक खुद लंबी छलांग लगाती है, जिससे वो रस्सी को पकड़ लेती है। आहिस्ता आहिस्ता उसे पकड़कर वापस ऊपर चढ़ती है, मगर एकदम रस्सी उसे छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। बैगी ये देखकर रोने लगी थी, पर जब वो थोड़ा सा नीचे की तरफ देखती है तो हंटर लटकी हुई थी, मतलब वो अभी भी जिंदा थी, मगर अब उसके हाथ जख्मी हो गए थे। वो अब खुद से ऊपर नहीं आ सकती थी। बैकी अपनी पूरी ताकत लगाती है उसको ऊपर खींचने में। आखिरकार उसने अपनी दोस्त को बचा लिया था। वो बैग से पानी निकाल कर पीती है, जिसके बाद वो एक नोट लिखती है और उसको ड्रोन पर लगाकर उड़ा देती है। मगर बदकिस्मती से जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाता है, उसकी बैटरी खत्म हो गई थी, जिस वजह से इन्हें उसको वापस बुलाना पड़ता है। अब रात हो गई थी। बैकी रात को देखती है कि उसकी दोस्त हंटर नीचे गिरकर मर चुकी है और उसकी लाश को परिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं। पर जैसे ही वो जागती है, उसको पता चलता है ये तो सिर्फ उसका एक ख्वाब था। टावर के ऊपर चलती हुई लाइट को देखती है, तभी इसको आइडिया आता है कि वो ऊपर जाकर ड्रोन की बैटरी को चार्ज करेगी। अगली सुबह ये ऐसा ही करती है,
बैगी ऊपर जाकर ड्रोन को चार्ज करती है और उस वक्त तक लटकी रहती है जब तक ड्रोन चार्ज ना हो जाए, जिसके बाद ये नीचे आती है। अब ये एक पेपर पर नोट लिखती है और उसको ड्रोन पर लगाकर उड़ा देती है। ये अपने ड्रोन को एक घर की तरफ भेजती है। इससे पहले ड्रोन घर तक पहुँच पाता, गाड़ी से टकरा कर टूट जाता है। ये यहाँ पर एक दिन इसी उम्मीद में गुजार देती हैं कि कोई इनकी मदद के लिए आएगा। बैगी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, अब वो एक दिन भी यहाँ नहीं गुजार सकती थी। तभी वो हंटर से उसका जूता मांगती है ताकि वो अपने फोन को नीचे फेंक सके दोबारा से मैसेज लिखकर, क्योंकि उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, पर हंटर उसको मना कर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हंटर तो उसके साथ ही नहीं, वो तभी नीचे गिर कर मर गई थी जब वो बैग लेने के लिए गई थी, और बैगी का सिर्फ एक था कि हंटर उसके साथ है ताकि वो खुद को अकेला महसूस ना करे। जब वो नीचे देखती है तो उसकी दोस्त हंटर की लाश परिंदे खा रहे थे। बैगी अब बहुत ज्यादा रोती है, अपने डैड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है, एक आखिरी मैसेज। उसको भी अब ये उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएगी। अब सुबह हो जाती है, एक दिन और गुजर गया था। तभी एक परिंदा उसके टांग पर निकलता हुआ खून देखकर उसे खाने आ जाता है। बैगी उस परिंदे की गर्दन तोड़कर उसे कच्चा खा जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो भूख की वजह से तड़प रही थी। उसे खाने के बाद उसे एनर्जी ताकत मिलती है। दूसरी तरफ इसके डैड अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे, वो इसके बारे में पता करना चाहते थे कि आखिरकार उनकी बेटी है कहाँ पर। उधर बैकी अब हिम्मत कर नीचे उतरती है उस जगह पर जहाँ पर हंटर की लाश एंटीना पर लटकी हुई थी, और अपने फोन को हंटर के जूते में डालकर उसके पेट के साथ चिपकाकर हंटर को सॉरी बोलती है और नीचे फेंक देती है ताकि उसका फोन ना टूटे और उसके डैड को मैसेज मिल जाए। जिसके बाद हम कुछ घंटों बाद देखते हैं बैकी के डैड उस टावर के पास पहुंच गए थे, मगर जैसे ही वो वहां पर पड़ी हुई लाश को देखते हैं जो हंटर की थी, जिसको पुलिस वाले लेकर जा रहे थे, वो समझते हैं शायद उनकी बेटी मर गई। लेकिन बैकी उनको आवाज देती है, डैड। वो अपनी बेटी को देखते हैं तो सुकून का सांस लेते हैं कि उनकी बेटी जिंदा है। वो अपने डैड के गले लग जाती है। आखिरकार बैकी की कोशिशों और उसकी उम्मीदों ने उसे जिंदा रखा, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।